बुजुर्ग और नौजवान साथियों और मातृ शक्ति सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग पधारे और यहाँ आए और भाई इनको भी मैं जो भी कार्यकर्ता थे जो कालस महाराज का भगत है और सब ये जो सेवा दे रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं भंडारा दे रहे हैं, मैं इनको सबको धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आप लोग पधारे हैं और सब आए हैं और मंदिर ने भी बात चमका दियो सब जगह जहाँ सब कह दीजिए पांचों गांव मंदिर एक बहुत जोर को बढ़े है, इसलिए मैं सबको सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सभी लोग आप पधारे हैं। और भाई लोगों एक ही बात है, अगर मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी सब बात कर रहे हैं, बात करवा की नहीं है, वो आदमी चुनकर दो जो ईमानदार सच्चा आदमी है, किसी को भी दो तो उनको मत दो और जाकर बिकनी उन्हें बिकने वाला कोई भी है, मैं ये कह रहा हूँ सरपंच है कोई वो है, बढ़िया बढ़िया आदमी भेजो आप, अगर गलत मैं हूँ कत्ती भी देना और सच्चाई से मैं वहाँ भी पंचायत छोड़ो आप लोगों का बीच में हूँ मैं और आपका बीच में कहना चाहता हूँ, मैं वो नहीं हूँ। जो काम करते हैं जो वो काम इसलिए करना चाहिए आदमी को चुनाव लड़ना चाहे, अब मैं विकास करूँ यहाँ करके दिखाऊँ, ये नहीं है अब मैं कबा कर चले जाऊँ, ये कभी नहीं होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ भाई लोगों आपका बीच में, मैं कह रहा हूँ आप लोगों का बीच में अब बिल्कुल नहीं, ये चुनाव की आ रही है, चुनाव की भाई डेलीगेट की बात आ रही है, मैं प्रधानी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और प्रधानी लड़ूंगा। और भाई लोगों में आप लोगों का बीच में कच्ची नहीं दबता हूँ किसी से, अब लोग हमारे लोग दबाते हैं दबा कर और इस सब फैल गए ऐसी कर दी प्रधानी की और आपका नहीं होने दूंगा चाहे कुछ हो जाए, ये वो नहीं होने दूंगा मैं, ये और बताते हूँ उन बहन भी कह दूसू में अकबर उन्हें संतोष रखना चाहिए, शील रहनी चाहिए, आराम से रहना चाहिए, उनका दुख क्या होता है, अरे हमारा सब बनता है आप लोग तो कौन बनेगा थमी बनोगा ना, और मैं तो थारी या बीच में कहकर जा रहा हूँ मुन तो थम कहूंगा तो ही लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा मुन ना जाए तो भाई मुन ना जाए कि मैं तो आप लोगों का बीच में कहकर जा रहा हूँ। आज तक मैंने जिला पर सब कुछ दिया, खादी बोर्ड का मुझे आज भी बढ़ा रखे कैबिनेट मिनिस्टर, आज भी टीएडीएम नहीं उठाता हूँ वो भी ईमानदारी से देता हूँ। आज राजस्थान में थारे पीछे भाई मेरा नाम है, थारे पीछे भी मैं कुछ नहीं हूँ, आप लोगों के पीछे है और आप लोगों का नाम है राजस्थान में कहेंगे तो बाबा मानसूर सिंह भागड़ी से थारो नाम से है, तो इसलिए आप लोगों का पीछे में तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अब भाई लोगों आप लोग चुनो बढ़िया आदमी चुनो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ उनको मत चुनो, मैं सत्ता रूल या कई बार तुझे ईमानदारी से काम करे और विकास कर, तो इसलिए आप लोगों ने मैं तो धन्यवाद देता हूँ। मैं पहल का कांग्रेस को मैं तो ऊपर जाता हूँ, सब धन्यवाद देते हैं मानसून को, पहले भी विधायक ने जिताई और अब के जिता दी दो जिता दी और भाई विधायक भी अब कह रही मई उन्होंने आज मेरे साथियों को प्रोग्राम से वो चला गया, तो अब मुझे यह कही है अगर मैंने जो रोड बोले उनको कह दिया सबने वो मंजूर हो गया है और जो न मंजूर ना हो शक्कर कर दूंगी और सबका मैं काम करवाऊंगी, इसलिए विधायक का भी मेरे मुन कही है साहब आप बोल देना, तो इसलिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अब ज्यादा बोलूंगा मैं, इसलिए आप लोगों को गलती हो तो माफ करना है और भाई आप भी अपने सत्र को जाओ और जन आज चुनना है चुनना ही है, तो इसलिए इसलिए आप लोग माशी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं माशी लोग थमा मेरी कार्टी तोड़ रहा हूँ, बड़ा बड़ा माशी ब्रह्मपाल जी ने बोला जी मान को थे माशिया फेल कर दिया, तो इसलिए आज थाने थमा फेल कर दिया, इसलिए थारा भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए आप लोग सभी पधारे सभी आए और सभी को मैं बहुत बहुत और बात गलती तो माफ कर, और बाप मैं तो और बाप मैं तो थारा बीच में जो 12 बजे अभी रात का खुल्लो टेलीफोन रहा रात्रि 12 बजे जो आए हो तो रात का थारा 12 बजे में थारे साथ में छू और रहूंगा और रहा हूँ, इसलिए की चिंता मुझे करा
कोई काम हो तो मैं आधी रात में बागड़ी तेरे साथ रहेगा, पहली बार बात त्यार बागड़ी रहता है, इसलिए कोई चिंता मत करना और निश्चिंत होकर और आराम से रहो। और बात बाल पाल नहीं या कुछ काम गंदा मत करो, करो रोड़ो हो जाए, अच्छा कमाओ, अच्छा पढ़ो और अच्छा लिखो, कोई काम हो तो मालिक बताओ, कुछ सहयोग दे तो मान दो कहो, पर भाई बदमाश मत करना, बस यही मेरी निवेदन है। और भाई एक काम जरूर कर दो, या नशा मुक्ति जरूर कर दो तुम, या दारू पीली से जब सांग हो जाए जैसे लोगों का तो आईन भी मैं कम कर दो, यही मेरी सबसे निवेदन है। इसलिए मैं आप लोगों का बीच में देरी से आया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सभी पधारे, इसलिए मैं गलती हो तो माफ कर दूँ। जय हिंद, राम राम साहब।